अभी अभी रानू चिड़िया की शादी हुई थी। रानू चिड़िया डोली में सवार होकर अपने ससुराल आती है। टुन्नू नाम के चिड़े से उसकी शादी हुई थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे, इसीलिए वो रानू चिड़िया को देखने के लिए उसके घर आते हैं। जंगल के सभी पक्षी बारी बारी उनके घर आते हैं और उनको बधाइयाँ देने लगते हैं। माँ, आप मुझे भी ले जाए, मुझे टुन्नू अंकल के पत्नी को देखना है। लाडो लाडो बेटा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? माँ, मुझे नहीं पता, मुझे बस नई दुल्हन को देखना है, बस देखना है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रानू अपने बेटे जग्गू कौवे को लेकर वहाँ आती है। रानी बहन, मैं तो टुन्नू चिड़े के पत्नी को देखने के लिए जा रही हूँ, सुना है उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। लाडो, मैं भी उनके घर दुल्हन को देखने के लिए जा रहा हूँ, मुझे तो मिठाई मिलेगी मिठाई। माँ, आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती? अरे रानी बहन, लाड़ो को भी साथ ले जाओ ना, इतना तो जिद कर रही है। फिर वो सब टुन्नू के पति को देखने के लिए उसके घर चले जाते हैं। टुन्नू, तुम पिछले जन्म में कौन से अच्छे काम किए थे जो इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई है तुम्हें? गौरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कमी है मेरे पति में, इतने सुंदर दिखते हैं। गौरी बहन, ये दिन लड़ाई का दिन नहीं है, आप सब मिठाई खाइए। रानी बहन, लो तुम भी मिठाई खाओ। जब वो सब बातें कर रहे थे तो जग्गू कौवे की नज़र एक हार पर पड़ती है। वो चुपके से उस हार को चुरा कर अपने पास रख लेता है। टुन्नू जी ने मुझे सब बता दिया है कि आप सब टुन्नू जी के पक्के दोस्त हो, इसलिए आज से आप भी मेरे दोस्त हुए। मम्मा मम्मा, मुझे जोर से पोटी लगी है, मुझे घर जाना है। जग्गू बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, हम बाद में घर जाएंगे। नहीं मम्मा, मुझे बहुत जोर की लगी है, मुझे अभी घर जाना है। जग्गू कौवा जल्दी से वहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि उसने रानू चिड़िया का हार जो चुरा लिया था। टुन्नू रानू, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जग्गू कौवे को पोटी लगी है, मैं ये मिठाई घर जाकर खा लूंगी। ये कहकर गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। टुन्नू भैया, मैं आप दोनों के लिए कल खिचड़ी बनाऊंगी अपने घर में, आप दोनों मेरे घर जरूर आना। ऐसा कहकर रानी अपनी बेटी लाड़ो को लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, ये देखिए, मैंने रानू आंटी का हार चुरा लिया है, अब ये हार मेरी माँ पहनेगी। अरे वाह जग्गू बेटे, तू तो बहुत आजकल बहुत होशियार बन रहा है, और तो और ये हार तो बहुत कीमती है। गौरी, क्या जग्गू को चोर बनाना चाहती हो? वो बिचारी क्या सोचेगी, पहले ही दिन में उसका हार चोरी हो गया है। जाओ जाकर रानू का हार वापस करो। बालू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जिंदगी भर तो आप चोरियां करते आए हो, जग्गू को कैसे बोल सकते हो? वैसे भी जग्गू ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ही कुछ पता नहीं चला, उनको क्या पता चलेगा। ये ऊपर वाले, ये क्या हो गया, मेरा हार चोरी हो गया, वो हार तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। रानू, आखिरी बार हमारे घर गौरी और रानी ही तो आए थे, रानी ऐसा कभी नहीं करेगी, गौरी तो पहले चली गई थी। टुन्नू जी, आप मानो या ना मानो, मुझे तो उस रानी पर ही शक हो रहा है, क्योंकि गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर जल्दी ही चली गई थी हमारे घर से। फिर टुन्नू और रानू जल्दी से रानी चिड़िया के घर जाते हैं। रानी, तुमने और गौरी ने मेरी शादी खराब कर दिया है, तुम दोनों मेरे घर क्यों आए थे? टुन्नू भैया, आप क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ है मेरा सोने का हार,
तुमने या उस गोरी ने चुराया होगा। टुन्नु भैया, आप चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो, मैंने तो नहीं देखा है आपका हार। मम्मा, मैंने देखा है कि जग्गू अपने पंखों में कुछ छुपा रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मिठाई है। उस जग्गू तो अपने पिता वाले काम कर रहा है, अभी उसके घर जाकर तलाशी लेनी पड़ेगी। रानी, आप भी मेरे साथ चलिए और मेरी मदद कीजिए। फिर वो तीनों मिलकर गौरी कवि के घर जाते हैं। फिर टुन्नु जल्दी से उनका घर का दरवाजा खटखटाता है। लो आ गया वो टुन्नु अपना हार लेने के लिए, अब पूरे जंगल में हमारी बेइज्जती होगी बेइज्जती। कालू जी, मेरा नाम भी गौरी है, मैं इस हार को उनको वापस नहीं करूँगी। गौरी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, रानू बहन का हार चोरी हो गया है। तो क्या मैंने चुराया है? चल भाग यहाँ से, चोरी का इल्जाम लगाने वाली। अगर आपने हार नहीं चुराया है तो दरवाजा तो खोलो। मेरी मम्मा को बहुत तेज नींद आ रही है, आप सब यहाँ से चले जाइए। देखा टुन्नू भैया, अगर गौरी ने हार नहीं चुराया होता तो अब तक तो दरवाजा खोल दिए होते। ये कवि तो बहुत बुरी है। ये हार मेरी माँ की निशानी है, अगर ये मैं हार नहीं पहन सकती तो ये कभी भी कभी नहीं पहन सकती। ये मेरी बदुआ है, बदुआ। फिर वो सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। टुन्नु जी, मुझे अब अच्छे से यकीन हो गया है कि मेरा हार उस गोरी के पास है। अगर मैं वो हार नहीं पहन पाई तो वो गोरी भी कभी नहीं पहनेगी। दूसरे दिन गोरी कवि अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा जल्दी से चलो, हम नदी के पास चलते हैं। मैं ये हार अपने गले में पहनकर देखना चाहती हूँ कैसी लगती हूँ। फिर गौरी कवि उस हार को लेकर जग्गू के साथ नदी के पास चली जाती है। जग्गू बेटा, तुम यही रुकना, मैं ये हार पहनकर देख लेती हूँ कैसी लग रही हूँ। जग्गू कव्वा इधर उधर देखने लगता है। गौरी कव्वे उस हार को अपने गले में पहनकर अपना चेहरा नदी में देख रही थी। उसी नदी के पास दो बदमाश चील बैठे हुए थे, वो दोनों गौरी को ही देख रहे थे। चील पति जी, वो देखिए उस कवि के गले में कितना सुंदर सा हार है, मुझे अभी के अभी वो हार चाहिए। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा जाने मन, अगर वो कवि अपना हार नहीं देगी तो उसका पंख काट कर तुम्हारे लिए हार ले आऊंगा। फिर वो दोनों गौरी कवि के पास आकर हार मांगने लगते हैं। छोड़ो मुझे, तुम दोनों छोड़ दो, मैं ये हार कभी नहीं दूंगी। माँ, ये हार आप इन्हें दे दीजिए ना, वरना ये दोनों हमें मार देंगे। गौरी जग्गू की एक नहीं सुनती, फिर वो दो चील गौरी का पंख काट कर वो हार ले जाते हैं। माँ माँ, ये क्या हो गया, उस चील ने तो आपका पंख ही काट दिया। तभी वहाँ पर कालू कव्वा आता है। पापा पापा, चील ने तो मम्मा का पंख काट कर गले में से हार निकाल कर ले गए। गौरी, तुम्हें तो उस रानू की बदुआ लगी है, बदुआ, अब सारी जिंदगी बिना पंख के ही गुजारना तुम। ये सुनकर गौरी कवि फूट फूट कर रोने लगती है और उसको अपने बुरे कामों का सजा मिलती है। रानू चिड़िया अपने पति टुन्नु चिड़े को लेकर एक नए जंगल में आती है अपना घर बसाने के लिए। तभी उसको नदी के पास एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। रानू, ये जंगल कितना ज्यादा खूबसूरत है, देखो हम दोनों यहाँ आ गए हैं और हमें कितनी खूबसूरत सी जगह मिली है। हाँ टुन्नु जी, आप सही कह रही हो, ये जगह भी कितनी ज्यादा खूबसूरत है।
हैं और हम दोनों मिलकर इस पेड़ के ऊपर हमारा घोंसला बना सकते हैं। रोज सुबह उठकर हम दोनों नदी के खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। उन दोनों को बातें करते हुए दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा सुन लेता है। अरे ये दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं इतने दिनों से इस जंगल में रह रहा हूँ, फिर भी मुझे इस जगह का कुछ भी अता पता नहीं पता। यहाँ पर कितना बड़ा पेड़ भी है, इस पेड़ पर मैं और गौरी आराम से घर बनाकर खुशी से रह सकते थे, लेकिन अब तो रानू और उसका पति घर बना रहे हैं। एक काम करता हूँ, ये बात जाकर गौरी को बताता हूँ, फिर गौरी के साथ यहाँ आकर टुन्नू और रानू से लड़कर इस जगह को छीन लूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घोंसलों के पास चला जाता है। उनका घोंसला ये गुफा के अंदर बना हुआ था। गौरी, हम दोनों कितने ज्यादा पागल थे जो इतने खूबसूरत नदी को देखे नहीं अभी तक। जब हम दोनों नए नए इस जंगल में आए थे तब तो हमें कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली थी घोंसला बनाने के लिए, फिर हम दोनों को इस गुफा में घोंसला बनाना पड़ा। लेकिन आज तो एक चिड़िया और चिड़ा यहाँ आए हैं, वो भी घर बनाने के लिए, और उनको नदी के पास बहुत अच्छी जगह मिल गई है घर बनाने। हम दोनों अभी उनके पास जाते हैं और लड़ झगड़ कर उनसे जगह ले लेते हैं। हाँ कालू जी, अगर इतनी अच्छी जगह है तो हम दोनों ही वहाँ रह सकते हैं। वैसे भी मैं लड़ने में कितनी ज्यादा माहिर हूँ आपको तो पता है। अब जल्दी से चलिए, मुझे लड़ने का बहुत मन कर रहा है। अरियो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इन लकड़ियों को यहाँ लाकर क्यों रखी हो? अरे ये क्या, हम दोनों तो यहाँ घर बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। मगर ये पेड़ तो हमारा है, वो तो घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हम यहाँ नहीं आए थे। अब हम दोनों यहाँ घर बनाने के लिए आ गए हैं, अब तुम दोनों यहाँ घर नहीं बना सकते। अरे कालू, ये जगह तुम्हारी कैसी हो गई? जब हम यहाँ आए थे यहाँ कोई नहीं था। वैसे भी तुम्हारा इस जगह पर नाम नहीं लिखा है, ना ही तुमने इस जगह को खरीदा है। जो पहले यहाँ आकर घर बनाएगा वो जगह उसी की हो जाएगी। हाँ ये जगह अब हमारा हो गया है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, वरना हम दोनों मिलकर जंगल के सब पक्षियों को जमा करेंगे और तुम्हारी खूब पिटाई करवाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या, ये तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो, देखना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। रानू, ये जगह काफी सुंदर है और नदी भी घर के पास ही है, इसलिए वो कालू ये जगह ले लेना चाहता था। ये जगह बिल्कुल भी उसकी नहीं है, अगर ये जगह उसकी होती तो वो पहले से ही यहाँ घर बनाकर रह लेता। हाँ टुन्नू जी, हमारे आने के बाद से ही कालू कौवे को इस जगह के बारे में पता चला होगा, इसीलिए अब वो हमारे पास आकर हमसे लड़ रहा है। रानू, अब तो वो कालू यहाँ से चला गया है, हम जल्दी से अपने लिए ये घोंसला बना लेते हैं, जल्दी से रात भी होने वाली है। ऐसा कहकर वो दोनों अपने लिए घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा उस जगह की लालच में काफी ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। गौरी, देखा तुमने, वो दोनों कितने ज्यादा होशियार हैं, पक्षियों का नाम लेकर हम दोनों को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन मैं इतनी आसानी से उन दोनों को वहाँ रहने नहीं दूंगा। अगर मैं वहाँ नहीं रह सकता तो मैं किसी को भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन कालू जी, वो दोनों हमारी शिकायत बाकी पक्षियों से कर देंगे, छोड़ दीजिए, अब हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं गौरी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, रात होते ही मैं वहाँ
बाहर जाकर उस पेड़ को ही काट दूंगा, फिर उन दोनों का घोंसला नीचे गिर जाएगा। रात के अंधेरे में वैसे भी मैं दिखता नहीं हूँ, इतना काला जो हूँ, उनको पता ही नहीं चलेगा ये काम किसका है, फिर वो किसकी शिकायत करेंगे पक्षियों से। फिर कालू कौवा उस खूबसूरत जगह की लालच में आकर रानू और टुन्नू का घोंसला गिराने की सोचता है। फिर जंगल में रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा लालच में आकर कुल्हाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर कालू कौवा उनकी टहनी पर बैठकर टहनी को कुल्हाड़ी से काटने लगता है। कालू कौवा इतनी लालच में था कि वो जिस टहनी पर बैठा था उसी टहनी को काट रहा था। फिर कुछ ही देर में वो टहनी कट जाती है। टहनी के साथ साथ कालू कौवा भी नीचे गिर जाता है। ऊंचाई से नीचे गिरने के वजह से कालू कौवे की मौत हो जाती है। कालू कौवे की लालच की वजह से उसको सजा मिलती है। एक घने जंगल में गोरी कौवी, लूसी कबूतरी और मिठू तोती बहुत ही अच्छे सहेलियां थी। वो हमेशा एक साथ ही रहते थे। एक दिन जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। उस बारिश में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उड़ रही थी, क्योंकि उसका घोंसला पानी में भेज चुका था। कौवी दोस्त, मेरी मदद करो, इतनी बारिश में मैं मेरी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा घोंसला भी पानी में बह गया है, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। अरे ओ चिड़िया, मुझे तुम्हारी दोस्त क्यों कह रही हो? हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। मैं तुमको यहाँ रहने की जगह नहीं दे सकती, तुम जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया निराश होकर अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वहाँ से चली आती है। कुछ दूर जाने पर रानू को हरियाली तोती का घोंसला दिखाई देता है। तोती, मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ, बारिश के वजह से मेरा घोंसला बिखर गया है। इतनी ठंड की वजह से मेरी बेटी ठंड से कांप रही है। मेरी बेटी को अपने घोंसले में रख लो, मैं बाहर भीग लूंगी। चिड़िया, तुम्हें इज्जत देना नहीं आता क्या? सीधे सीधे मुझे तोती कहकर बुला रही हो। मैडम करके क्यों नहीं बुलाया? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारी बेटी को अपने घोंसले में नहीं रख सकती, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया चुपचाप अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में उसको लूसी कबूतरी का घर दिखाई देता है, लेकिन रानू कुछ सोचकर वहाँ नहीं गई, बल्कि एक पेड़ के नीचे अपनी बेटी को लेकर बारिश में भीग रही थी। मैं उस कबूतरी को कैसे बुलाऊं? अगर नाम से बुलाऊंगी तो तुमने मुझे नाम से क्यों बुलाया ऐसे कह देगी। अगर दोस्त कहूंगी तो कभी परिचय नहीं हुआ, दोस्त क्यों कह रही है ऐसा भी कह सकती है। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंख में छुपा लेती है। वो देखकर लूसी कबूतरी उसके पास आती है। ये क्या बात हुई चिड़िया, खुद भी भीग रही हो और अपनी बेटी को भी भिगा रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझसे आकर मदद मांग सकती थी ना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, मैंने पहले ही दो पक्षियों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम इस जंगल की नहीं हो ना, इसलिए मेरे दोस्त तुम्हें देखकर डर गए होंगे। चलो मेरे घर चलते हैं। ऐसा कहकर लूसी कबूतरी रानू और गुड़िया को अपने घर ले जाती है। फिर रानू चिड़िया बारिश रुकने तक उस लूसी कबूतरी के घर में ही रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी कौवी और हरियाली तोती लूसी कबूतरी के घर आते हैं। लूसी, तुमने उस चिड़िया को अपने घर पर क्यों रखा? ना जाने वो कौन है और कैसी है। हाँ लूसी, ये तुम्हारा काम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गोरी, हरियाली, तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो?
किसी का मदद करना अच्छा ही है ना, बुरा काम थोड़ी। लूसी ऐसा कहते ही कफी और तोती को बहुत गुस्सा आता है, वो मुंह लटकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया ने भी अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। लूसी कबूतरी ने उसकी बहुत मदद की थी। उस दिन से ही लूसी कबूतरी और रानू की अच्छे से दोस्ती हो गई थी। उन दोनों की दोस्ती देखकर कव्वी और तोती को बहुत जलन महसूस होती है। अचानक से लूसी कबूतरी बहुत बीमार हो जाती है। वो एक दिन रानू से कहती है, रानू मेरे दोनों दोस्त कव्वी और तोती मुझसे कई दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। मैं आखिरी बार उन दोनों को देखना चाहती हूँ, क्या तुम उन दोनों को मेरे पास ले आओगी? हाँ जरूर लूसी। फिर रानू चिड़िया जल्दी से हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, लूसी बहन की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें देखना चाहती है, एक बार मेरे साथ चलो ना। जिस दिन से तुमने लूसी से दोस्ती की है उस दिन से ही हमारी दोस्ती टूट गई है, अब कोई रहे ना रहे मुझे क्या लेना देना। हरियाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, बस एक बार मेरे साथ चलो। हरियाली रानू का ये कहना नहीं मानती। फिर रानू चिड़िया जल्दी से गौरी कवि के पास जाती है। गौरी लूसी कबूतरी बहुत बीमार है, ऐसा सोचो कि वो अब मरने वाली है, वो तुम्हें देखना चाहती है, बस एक बार मेरे साथ चलो। परियों चिड़िया अब मैं शादी में जा रही हूँ, मेरे सामने आके ऐसी बातें क्यों कर रही हो, चल भाग यहाँ से। रानू चिड़िया उदास होकर लूसी कबूतरी के पास आती है। लूसी कबूतरी आखिरी बार रानू चिड़िया को देखकर मर जाती है। मुझे माफ कर दो लूसी दोस्त, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को भी कर नहीं पाई, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी इतनी मदद की लेकिन मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी के जाने के बाद से रानू चिड़िया उस जंगल में अकेले पड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन जोरों की बारिश होती है। उस बारिश में हरी तोती और गौरी कवि का घर पानी में बह जाता है। गौरी अब हम दोनों अकेले पड़ गए हैं, उस रानू से कैसे मदद पूछे, हमने तो एक बार भी उसके मदद के बारे में नहीं सोचा। हाँ हरियाली बहुत बड़ी गलती कर दी हम दोनों ने, लूसी ने भी आखिरी सांसें लेते जब हम दोनों को याद किया था, लेकिन हम वहाँ नहीं गए। तभी जल्दी से रानू उनके पास आती है और उनसे कहती है, दोस्तों तुम दोनों ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो, जल्दी से चलो मेरे घर। फिर वो दोनों हिचकिचाते हुए रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू हम दोनों ने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुमने हमारे बारे में सोचा, लूसी के साथ भी हम दोनों ने बहुत बुरा किया, हम दोनों को माफ कर दो। रानू उन दोनों से कुछ नहीं कहती, वो लूसी को याद करते हुए चुप रह जाती है।